वाह, क्या आईपीओ है। तो सेकेंडरी मार्केट की तो हम बात कर ही नहीं कि लगातार कैसे आपको अगले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है, लेकिन आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन होने वाला है। इनफैक्ट कुछ आईपीओ हैं ऐसे खास तौर पे मेन बोर्ड के जो कि खुलने वाले हैं, तो पहले से उनकी तैयारी करके चलते हैं ताकि आप अपना जो पैसा है वो रेडी रखें अगर उसमें सब्सक्राइब करने की राय आती है। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताएं कि जो पहले मेन बोर्ड पर आईपीओ खुल रहे हैं अगले हफ्ते, उनको लेकर बताइए पहले। जी, जो आईपीओ खुल रहे हैं उसमें दो आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा का पहली बात है साइज भी थोड़ा बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का आईपीओ है। एग्जैक्टली देखें तो 1952 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और बाकी है ऑफर फॉर सेल। अभी आईपीओ जब खुलेगा तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का कारोबार क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर बेसिक में देखें तो ये 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबली मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को देती है, बेसिकली थेरापेटिक एरियाज में। ठीक है, 2000 करोड़ रुपये के आसपास का आईपीओ है सर, अगले हफ्ते 3 तारीख को खुलेगा, 5 तारीख तक खुला रहेगा और 800 करोड़ रुपये फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी के पास आएंगे। बाकी जो करीब 1150 करोड़ रुपये का OFS है वो उससे मौजूदा निवेशकों के पास पैसे जाते हुए दिखेंगे, लेकिन 800 करोड़ रुपये कंपनी के पास भी आते हुए दिखेंगे। आपने सर स्टडी किया है, जब ये आईपीओ खुलेगा तो इसमें आवेदन कर सकते हैं? संदीप जी, जो मेरे को मतलब इशू होता है जब कभी भी कोई भी आईपीओ देखते हैं, तो उसमें आप कंपनी में कम पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसा देके वापस निकाल दे रहे हो, तो ये एक कंसर्न मेरे लिए काफ़ी बड़ा होता है कि एक बड़ा आईपीओ लेके आ रहे हो, कंपनी में कम पैसे जाएंगे, कंपनी के कामकाजी मुनाफे उससे कम होने की उम्मीद होगी, आपने वैल्यूएशन के लिए आपने इन्वेस्टर्स को निकाल दिया, तो ये एक कंसर्न है पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी फार्मा की समझ मेरे को कम है, मैं बराबर आपसे बात कहता हूँ, लेकिन मैं एक बार इसके आईपीओ इन्वेस्टर्स मीट में था और ऐसा बताया गया कि कंपनी जो है वुमेन्स के लिए, क्योंकि वुमेन में आप देखेंगे जितनी भी महिलाएं हैं उसमें जो इनहेरेंट आयरन डिफिशियंसी होती है उसके उसका काम करती है ये, शायद इंडिया की 13वीं सबसे बड़ी कंपनी, 11वां या 13वीं सबसे बड़ी कंपनी है ये, उस लिहाज से देखें और वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, बट लेकिन चूंकि मेरे को प्रोडक्ट थोड़े सा कम समझ में आता है तो और रिजनेबली वैल्यूड है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं ये, ग्रोथ थोड़ी कम रही है इनकी और पैसा जो है थोड़े से मेरे को क्वेश्चन मार्क 2-3 थे जिसको उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया था मेरे को, तो मुझे लगता है कि आप अगर रिस्कियर इन्वेस्टर हैं तभी आपको जाना चाहिए, अदरवाइज पास कर सकते हैं। ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में जाइए, हालांकि वैल्यूएशन रीजनेबल है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कंपनी की ओर से क्लैरिफाई नहीं की गई है, तो अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। दूसरा कौन सा आईपीओ शेयर है जो कि अगले हफ्ते खुलेगा? जी, दूसरा आईपीओ है वंसल बायर्स इंडस्ट्रीज, ये भी 3 तारीख को खुलेगा, 5 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 243 से लेकर 276 करोड़ का, आईपीओ से 745 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं और यहाँ पर पूरा ही फ्रेश इशू है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का काम है स्टेनलेस स्टील के वायर के मैन्युफैक्चरिंग में और ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये कंपनी अपने 50 कंट्री से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। चलिए सर, आप कह रहे थे कि ऐसी कंपनियां अच्छी होती हैं जिनमें फ्रेश इशू ज़्यादा होता है या फिर केवल फ्रेश इशू हो, ऐसी ही कंपनी आपके सामने आ भी गई है बंसल वायर इंडस्ट्रीज, क्या इसमें पैसा लगाने की राय देंगे आप? देखिए, ये रिजनेबली ठीक है क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स को देखेंगे तो वो अगर थोड़े से मेरे को लगता है कि अच्छे हैं, बेटर हैं नंबर्स, और जो पैसा इनको आ रहा है अगर आप देखें तो उसमें रीपेमेंट ऑफ बॉरोइंग्स करेंगी कंपनी को, मतलब आप देखेंगे प्रॉफिट पर कोलेशन ज़्यादा होगा एटलीस्ट इन्वेस्टर के लिए, और कुछ बॉरोइंग पोर्शन कम है इनके सब्सिडियरी के पास, 93 करोड़ रुपीज़ करीब वहाँ पर देंगे, 60 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, तो ये इनका जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से अगर आप देखें या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, पी जो है वो 47 के आसपास का है, तो मुझे लगता है कि लेकिन थोड़े अगर वायर में देखें, हमने थोड़ी देर पहले उषा मार्टिन की बात की थी, वो लीडर है उस सेगमेंट में स्टील वायर में और ये भी चूंकि कंपनी काम कर रही है उसी में, तो रिजनेबली वैल्यूड तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है हाई साइड में डिमांड की गई है, तो जो जिनकी रिस्कियर एपेटाइट है वही केवल करें इसमें।
तो इसमें भी जिन जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं वो चाहें तो इसमें आईपीओ में आवेदन देके चल सकते हैं। ये तो बात हुई उन कंपनीज़ की जो कि अगले हफ्ते जिनके आईपीओ खुलने वाले हैं, या ऐसी कंपनियां जिनके आईपीओ पिछले हफ्ते बंद हुए हैं या फिर फ्राइडे को ही बंद हुए हैं और अगले हफ्ते जो लिस्ट होने वाले हैं वो भी तो दो तीन कंपनियां ना शोर है, उनके बारे में बताइए। चलिए दो कंपनियों को डिस्कस कर लेते हैं पहले जो मेन बोर्ड पर है। उसमें पहली कंपनी है एलाइट ब्लेंडर्स। एलाइट ब्लेंडर्स जब बंद हुआ था तो उसमें सब्सक्रिप्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टोटल 24 टाइम्स रिटेल का खाली 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन अगर QIB निवेशकों की बात करें तो उन्होंने 50 गुना ज़्यादा अपना सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करा है। कंपनी की बात करें तो विस्की बनाने की अल्कोहल की सबसे बड़ी कंपनी उसमें से एक है इंडिया की, और इसकी जो ऑफिसर्स चॉइस विस्की है वो नॉट जस्ट इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक रहा है 2016 से 2019 के बीच में। और इसको यहाँ पे नाम है, ब्रांड वैल्यू, साथ में जो अल्कोहलिक ऐसी अगर किसी कंज्यूमर स्टिकीनेस है, क्योंकि अगर आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड की आदत पड़ जाती है आप उसे बार बार प्रेफर करते हैं, तो ये एक पॉइंट है कंपनी के लिए। शायद ये सब चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की भी राय दी है कुछ इन्वेस्टर्स ने, और साथ में हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है इसका सब्सक्रिप्शन QIB के जरिए। सर पैसा लगाना है लगाना है, मैं बाद में पूछता हूँ। एक शौर्य का एक पॉइंट मुझे काफ़ी स्ट्राइक किया सर, देखिए वीकेंड की बात है तो कैसे कह रहे हैं कि कंज्यूमर स्टिकीनेस, देखिए ये विस्की बनाने वाली कंपनी है, वीकेंड का माहौल है, बारिश का वैसे सीजन चल रहा है, तो कंज्यूमर स्टिकीनेस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? तो देखिए ये कंपनी आई थी, अगर आप देखें तो इंडस्ट्री जो ओवरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना जो है कंजम्पशन जो पर कैपिटा कह लें वो काफ़ी लो है और उसमें बढ़ने की बात है, और आने वाली जितनी भी जो है नई यंग जनरेशन हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, और हम लोग अगर देखें इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी कम है, तो वो एक पोर्शन है कि वहाँ पर जो है, और कंपनी जो है विस्की बनाती है और विस्की सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि आप बियर देख लें, वाइन देख लें, वो इन रिलेशन वाइन तो काफ़ी कम कंज्यूम होती है इंडिया में, और बियर उससे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा विस्की होती है क्योंकि नशा सबसे ज़्यादा विस्की में होता है, तो वो जिसको स्पिरिट कहते हैं एक्चुअली बेसिकली, तो वो होता है और उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा फाइनेंशियल्स को लेकर मुझे थोड़े से जो है थोड़ी दमाडोल सी स्थिति है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो मैंने तो खुद, चूँकि मैं खुद भी IPO एप्लीकेशन करता हूँ, तो मैंने तो नहीं किया इसमें, तो मैं ये सलाह, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है, यूनाइटेड स्पिरिट्स बोलते हैं वो है, रेडिको खेतान में से बहुत ज़्यादा लगता है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा है, जो कि आने वाले टाइम पर अच्छा कर सकती है, और कभी भी जब कोई भी नई कंपनी लिस्ट हो और दूसरी एक कंपनी ऑलरेडी हो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है कि उस कंपनी को ज़्यादा देखना चाहिए। तो लिस्टिंग पे पैसा बनेगा सर, क्योंकि 24 गुना के आसपास ये भरा है, 25 गुना के आसपास, रिटेल 4 गुना, और सबसे अच्छी बात जैसे शौर्य हाईलाइट कर भी रहे थे, QIB का हिस्सा 50 गुना भरा है, तो QIB अपने पोर्टफोलियो में शायद इस शेयर को रखना चाहते हैं, जैसे आप कह भी रहे हैं कि विस्की का बड़ा एक कॉम्पोनेंट है इनके पूरे पोर्टफोलियो में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि QIB जो है वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे, ये तो क्या ना बहती गंगा में हाथ धोना है, जैसे कि सारे लोग आए हैं एंकर एलोकेशन, एंकर जब तक आप नहीं हैं तो आप एंकर को एक बाध्यता होती है क्योंकि उनका लॉक्ड है होता है शेयर, लेकिन QIB में मिल गया शेयर तो HNI में मिल गया, तो कौन बोलेगा कि आपको ज़्यादा दिन तक रहना है। अभी तो मेकर है वायलिटी सनसाइन, तो लोग पैसा लगा दे रहे हैं इतना ज़्यादा क्योंकि पैसे बन रहे हैं अभी IPO में, तो लोग पैसे डाल दे रहे हैं और आपको जो है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही पैसे तो मिल जा रहे हैं वापस आपको, तो वो और देख रहे हैं कि GMP अगर अच्छा चल रहा है तो लगा दो भाई, चलो कुछ ना कुछ तो बनता ही है, क्योंकि QIB में क्या होता है कि आपको प्रोपोर्शनेट मिलता है, ऐसा नहीं है जैसे कि आप रिटेल और HNI में करोगे तो आपने वहाँ लॉटरी होती है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, QIB पोर्शन में एक निश्चित एलोकेशन होता है, बट दैट टू ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस होता है, तो उसके कारण जो है आपकी QIB पोर्शन लगता है ज़्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है सर, ये भी बात आपने क्लैरिफाई करी, ये भी अच्छी बात है, कुछ सीखने को ही मिला नया। ब्रज आयरन एंड स्टील, इसकी भी तो लिस्टिंग होगी शौर्य, उसके बारे में बताइए। ब्रज आयरन एंड स्टील की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा देखने को मिला है, टोटल 126.36 टाइम रिटेल का सब्सक्रिप्शन 58, यहाँ भी देखिए वही है QIB ने 173 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आए, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
200 गुना ज्यादा, एग्जैक्टली 221। हम ऐसे नंबर एसएमईज में देखते हैं लेकिन मेन वोट में भी 200 गुना ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि मेटल के लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। ग्लोबल स्तर पर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, काफी सारी अनसर्टेनिटीज अभी बनी हुई है किस तरह से प्ले आउट होगा। मेटल के पैक को देखें तो निफ्टी मेटल पर नजर डालने चाहे एक हफ्ता हो, एक महीना हो, ऐसा नहीं है कुछ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए नजर आए। कंपनी पे स्पेसिफिकली है तो ऐसा नहीं है कंपनी को कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज है, इंटेंसिटी है कंपटीशन की, लेकिन कंपनी को जैसे नहीं वो डिस्टिंग्विश करती हो या स्केल का फायदा हो। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जो नजर आ रहा है उसकी वजह थोड़ा वैल्यूएशन है, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बन रहा है 9.48 और पोस्ट आईपीओ बन रहा है 11.49। तो क्या ये रीजन है कि हम फंडामेंटली देखें चाहे कंपटीशन हो, चाहे कंपनी का कुछ हो, चाहे फ्यूचर आउटलुक हो सेक्टर को लेकर कुछ इतना पॉजिटिव नहीं है लेकिन तब भी इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं हम? 126 गुना भर गया सर, काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जो कि शौर्य ने हाईलाइट कर दिए हैं कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलना नहीं चाहिए। और QIB में सर एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि QIB जो इन्वेस्टर होते हैं अमूमन हम देखते हैं कोई भी OFS भी खुलता है तो पहले उनको बोली लगाने दी जाती है, बाद में रिटेल को लगाने दी जाती है, क्योंकि इनको ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा सूझबूझ वाले माना जाता है। तो अगर सूझबूझ वाले इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं तो फिर रिटेल भी इसको देख के पैसा लगा सकते हैं, हालांकि अपनी रिसर्च करनी चाहिए नो डाउट। लेकिन 126 गुना व्रज आयरन एंड स्टील को जो रिस्पॉन्स मिला है इसको आप कैसे देखते हैं लिस्टिंग के लिहाज से? तो बहुत छोटा, मतलब अगर आप देखें कि कंपनी जो है वो मेन बोर्ड पर आ रही है, लेकिन अगर टोटल जो है इश्यू साइज के लिहाज से देखें मेन बोर्ड में, तो आपको लगेगा कि ये शायद जो है SME पे आ रहा है, लेकिन आया मेन बोर्ड पे, मेन बोर्ड पे आया है लेकिन साइज काफ़ी छोटा है। इसलिए जो है चूंकि मार्केट में अभी कैपिटल अवेलेबिलिटी है इसलिए आपको दिख रहा है कि कई गुना ज़्यादा हुआ है। दूसरी चीज़ संदीप जी, मैं जो कि मतलब गुड़ बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग की जहाँ जिस कंपनी में मैं हूँ वो कंपनी भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में है। हम लोगों ने काफ़ी देखा इसको, काफ़ी नज़दीक से देखा, और चूंकि हम लोग भी IPO में लगाते हैं पैसे तो काफ़ी नज़दीक से देखा गया, काफ़ी स्क्रूटनाइज किया इस चीज़ को, और हमने ये पाया चूंकि रायपुर और बिलासपुर में हैं इनके प्लांट्स और हमारे तो वेस्ट बंगाल में हैं, और इसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि सेक्टर में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इतने मार्जिन्स नहीं है, ये कंपनी कहाँ से लेके आ रही है? बहुत छोटे प्लांट हैं, 5 मेगावाट का इनका जो है तो पावर प्लांट है, 20 मेगावाट कर देंगे, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, स्पॉन्ज आयरन बिलेट और TMT बनाती है कंपनी, लेकिन ये जो लगातार प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसा एक सब की निगाह होती है उस तरह था, तो हम लोगों ने इसको पास किया था। तो क्योंकि नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इंडस्ट्री से आप एकदम अलग हैं, नंबर टोटल टोटल इंडस्ट्री अगर उस तरह से नहीं कर पा रही है आप कर पा रहे हैं, और आपके पास सबसे बड़ी चीज़ की बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, आपके पास कोयले के माइन नहीं है, आपके पास कह रहे हैं कि आयरन ओर की माइनिंग नहीं है, बावजूद उसके आप इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इसमें। चलिए, तो कई सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं व्रज आयरन स्टील को लेकर भी, तो इस पर ध्यान रहेगा। अगले हफ्ते इसकी लिस्टिंग होने वाली है, देखते हैं कैसी लिस्टिंग होती है। नंबर्स तो बहुत शानदार थे सब्सक्रिप्शन के। SME साइड में शौर्य, कोई ऐसी कंपनी जिसकी जो IPO खुला हो या जिसकी लिस्टिंग होने वाली हो? जी, SME साइड में एक कंपनी है जिसका IPO भी खुला हुआ है, आज नहीं खुला क्योंकि सैटरडे है, लेकिन अभी फ्राइडे खुला है और 2 जुलाई तक खुला रहेगा, 28 से 2 जुलाई तक। प्राइस बैंड 85 से लेकर 90। नेफ्रो केयर इंडिया कंपनी का नाम है और IPO से 41.26 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, और 28 जून को यानी पहले ही दिन वो 16.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन GMV बना था डालने, प्राइस बैंड 90 अपर लेवल पर, ग्रे मार्केट में प्रीमियम 120 रुपीज़, यानी 100% से भी ज़्यादा का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी को। तो 90 रुपये का प्राइस है सर, अगर हायर बैंड पे बुक बनती है 120 रुपये ग्रे मार्केट देने को तैयार है, तो 90 के ऊपर अगर 120 हो गए तो आप समझ लीजिए 133% का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्टिफाइड है सर, पैसा लगाना चाहिए, मिल जाएंगे इतने लिस्टिंग गेन पे पैसे? संदीप जी, डिस्क्लोजर देता हूँ, इसके CFO मेरे काफ़ी मतलब नज़दीक हैं, काफ़ी जानता हूँ, और वो और मैं एक जगह, वो प्रोफेसर थे एक MBA कॉलेज में और मैं भी गेस्ट फैकल्टी था वहाँ पर, तब से मैं उनको जानता हूँ। कलकत्ता की ही कंपनी है, कलकत्ता की ही लोग हैं, डॉक्टर साहब जो हैं प्रीतम सेन गुप्ता भी कलकत्ता में नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं, अब नेफ्रोलॉजी के हॉस्पिटल एयरपोर्ट जो कलकत्ता एयरपोर्ट है उसी के आगे खोल रहे हैं ये, और ये खुल जाएगा। सब दूसरी चीज़ है सर, इसमें दीपक पारेख ने पैसे लगाए हैं, मेरी CFO से कुछ दिनों पहले ही बात हो रही थी कि भाई
हम लोग को भी थोड़ा सा दो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट इसमें। मतलब SDFC के जो दीपक पारेख हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप जी देखेंगे इनके RHP का वो तो। और हॉस्पिटल में संदीप जी, चूंकि मुझे फार्मा ज़्यादा कम समझ में आता है, लेकिन हेल्थ केयर मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आता है, और मुझे लगता है कि ईस्टर्न रीजन में एटलीस्ट काफ़ी जो है, यहाँ पर अगर आप देखें देवी सिटी का जो एंडेवर है, नारायण हृदयालय, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स ईस्टर्न रीजन में, कोलकाता रीजन में ही हैं इनके, क्योंकि हमको यहाँ पर बांग्लादेश से काफ़ी लोग आते हैं, चूँकि बॉर्डर स्टेट है ये, तो वो उसके कारण जो है यहाँ पर हॉस्पिटल काफ़ी फले फूले हैं। और नेफ्रोलॉजी जो है वन ऑफ इट्स होगा, और डॉक्टर साहब जो है काफ़ी नामी हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि उसके लिहाज से, और हम जो नंबर्स अभी देख रहे हैं वो उनके केवल अभी टेस्टिंग लैब और उनके जो आउटडोर्स के हैं नंबर्स हैं, अभी हॉस्पिटल आएगा तो उसके नंबर्स आएंगे, और वो नंबर इंडस्ट्री से कंपेरेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए IPO ये। लेकिन चलिए तो ठीक है, नेफ्रो केयर इंडिया डिस्क्लोजर है कि चूंकि मैं काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, तो आप ज़रूर जब भी आप निवेश करें आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछेंगे। चलिए ठीक है सर, डिस्क्लोज़र तो मतलब आपके एक दर्शक ने तो आपको सराहा भी है इस चीज़ के लिए कि आप डिस्क्लोज़र से लगातार अपने ट्रांसपेरेंसी काफ़ी मेंटेन करते हैं, तो सब्सक्राइब करने की राय इसमें हो सकती है क्योंकि कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं और आगे और भी अच्छा कर सकती है। नेफ्रो केयर इंडिया में आप चाहें तो पैसा लगा के चल सकते हैं। सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और संतोष सर आप बने रहिए IPO सेगमेंट में, फिलहाल के लिए इतना ही। वाह, क्या IPO है!